नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सत्या फिर से अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने महादेव कंदारिया टेंपल विज़िट कर चुका है और अब हम दूसरे टेंपल की ओर जा रहे हैं। आप जैसे देख रहे होंगे दोस्तों, ये सिंह टेंपल है जो कंदारिया महादेव और जगदम्बा टेंपल के बीच में है। और दोस्तों, ये काफ़ी कुछ नए स्टोन से बना हुआ है। अब हम जिस टेंपल की ओर जा रहे हैं वो देवी जगदम्बा टेंपल है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है और ये कंदारिया महादेव और सिंह मंदिर के बाद में है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे एक पत्थर पे, इस पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बहुत ही ब्रीफ में और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कृपया जूते यहाँ उतारे, जगदम्बा मंदिर, ऐसे करके। और यहाँ से आप कंदारिया महादेव टेंपल, सिंह मंदिर और जगदम्बा टेंपल तीनों को देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो जो रात में होता है वो यहीं पे ऑर्गेनाइज होता है और यहाँ से ये बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखता है पूरे मंदिर का। दोस्तों, हम देवी जगदम्बा मंदिर को पहले बाहर की ओर से देख लेते हैं। मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं उसके तरफ आपको नीचे की तरफ बेलबूटे की नक्काशी देखने को मिलेगी और ऊपर देखेंगे तो मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको देवी देवताओं की और सुरसुंदरियों की और देवदासियों की मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको कामुक प्रतिमाएँ भी देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कुछ सुरसुंदरी देखने को मिलती हैं जो अपने अंगों की बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित करते हुए दिखेंगी। और जब अगर आप मंदिर के जैसे जैसे ये मंदिर बिल्कुल जैसे आपने महादेव कंदारिया टेंपल देखा था उसी काइंड का दिखता है और ये भी ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरती की नक्काशी की गई है। और दोस्तों, जैसे कि आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप भगवान विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलेगी और उसके ऊपर आपको ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये प्रतिमाएँ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इस मंदिर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नए पत्थर का काफ़ी कुछ काम हुआ है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपने इससे पहले कंदारिया महादेव देखा था और लक्ष्मण टेंपल देखा था उसमें इतना काम नहीं था और वो मंदिर एज इट इज़ ओरिजिनल है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी कुछ नष्ट कर दिया गया था इसीलिए इसमें काफ़ी नया पत्थर लगाया गया है। तो इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ पर देवी देवताएं, सुरसुंदरियाँ और अप्सराओं की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे आपको शार्दुल की प्रतिमाएं भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और फ्रेंड्स, ये मंदिर एक पे के बहुत कुछ थोड़े थोड़े रेप्लिकेट भी हैं। दोस्तों, हमारी बाहर से पूरा हमने विज़िट कर चुका है ये मंदिर। और दोस्तों, अब हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलेंगे और अंदर की ओर जाएंगे जहाँ पर पार्वती माता की और देवी जगदम्बा की पत्थर की मूर्ति है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये भी पूरा नया पत्थर है। और दोस्तों, ये जो मंदिर है वो चार भाग में देखने को मिलता है। यहाँ आपको अर्धमंडपम, महामंडपम, अंतराल ग्रह और गर्भगृह देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे परिक्रमा पथ नहीं है जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको तीन ही शिखर देखने को मिलेंगे और यहाँ आपको प्रतिमाएँ देखने को बहुत अच्छी सी सुंदर और बहुत ही नक्काशी देखने को मिलेगी। बट यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं काफ़ी कुछ नष्ट कर दी गई हैं। और जैसे ही आप अंदर की ओर जाएंगे तो आपको हवन कुंड भी देखने को मिलेगा। यहाँ आज भी हवन होता है। दोस्तों, हम मंदिर के गर्भगृह की ओर चलते हैं जहाँ पार्वती माता की पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। दोस्तों, यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है और दोस्तों इसकी पूजा भी की जाती है। आप ये मंदिर की मूर्ति देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी विशेषता ये है कि इसकी आँखें चांदी की हैं जो बहुत ही चमकती हैं। तो इस मंदिर के अंतराल ग्रह में आपको बहुत सारे स्तंभ देखने को मिलेंगे जिस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। और मंदिर की छत पर आपको बहुत ही सुंदर सी नक्काशी देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे काफ़ी नया पत्थर यूज़ किया गया है तो वो भी आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो गर्भगृह है वहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलेंगी। वहाँ पे आपको प्रवेश द्वार पर ऊपर देव शंख बजाते हुए देखने को मिलेंगे। नाग कन्याएं आपको हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं, उनकी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी और बहुत सारे लोग संगीत बजाते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ नीचे नीचे आपको बहुत सारे बेल बूटों से सजा हुआ द्वार भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा टेंपल विज़िट हो चुका है। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपको बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। आप दूर से देख सकते हैं वहाँ पर आपको लक्ष्मण टेम्पल और महादेव कंदारिया टेम्पल और दोस्तों वो विश्वनाथ टेम्पल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये विज़िट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दोस्तों, मिलते हैं हम चित्रगुप्त टेंपल के विज़िट में, तब तक बाय।